हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज हम फेसोन के इस एपिसोड में जतींद्रनाथ दास के बारे में जानने वाले हैं, जिनका जन्म 27 अक्टूबर 1904 कलकत्ता ब्रिटिश भारत, स्वर्गवास 13 सितंबर 1929 लाहौर पाकिस्तान। उपलब्धियां 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो बम केंद्रीय असेंबली में फेंके, वे जतींद्रनाथ दास के द्वारा बनाए हुए थे। जतींद्रनाथ दास भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए जेल में अपने प्राण त्याग दिए और शहादत पाई। इन्हें जतिन दास के नाम से भी जाना जाता है, जबकि संगी साथी इन्हें प्यार से जतिन दा कहा करते थे। जतींद्रनाथ दास कांग्रेस सेवादल में सुभाष चंद्र बोस के सहायक थे। भगत सिंह से भेंट होने के बाद ये बम बनाने के लिए आगरा आ गए थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो बम केंद्रीय असेंबली में फेंके थे, वे इन्हीं के द 12 बनाए गए थे। जेल में क्रांतिकारियों के साथ राजबंदियों के समान व्यवहार न होने के कारण क्रांतिकारियों ने 13 जुलाई 1929 से अनशन आरंभ कर दिया। जतींद्रनाथ भी इसमें सम्मिलित हुए। अनशन के 63वें दिन जेल में ही इनका देहांत हो गया। क्रांतिकारी गतिविधि, जब जतींद्रनाथ अपनी आगे की शिक्षा पूर्ण कर रहे थे, तभी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। जतींद्र इस आंदोलन में कूद पड़े। विदेशी कपड़ों की दुकान पर धरना देते हुए वे गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें 6 महीने की सजा हुई। लेकिन जब चौरी चौरा की घटना के बाद गांधीजी ने आंदोलन वापस ले लिया, तो निराश जतींद्रनाथ फिर कॉलेज में भर्ती हो गए। कॉलेज का यह प्रवेश जतींद्र के जीवन में निर्णायक सिद्ध हुआ। लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार, जेल से बाहर आने पर जतींद्रनाथ दास ने अपना अध्ययन और राजनीति दोनों काम जारी रखे। 1928 की कोलकाता कांग्रेस में वे कांग्रेस सेवादल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सहायक थे। वहीं उनकी सरदार भगत सिंह से भेंट हुई और उनके अनुरोध पर बम बनाने के लिए आगरा आए। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो बम केंद्रीय असेंबली में फेंके, वे इन्हीं के द्वारा बनाए हुए थे। 14 जून 1929 को जतींद्र गिरफ्तार कर लिए गए और उन पर लाहौर षड्यंत्र केस में मुकदमा चला। अनशन जेल में क्रांतिकारियों के साथ राजबंदियों के समान व्यवहार न होने के कारण क्रांतिकारियों ने 13 जुलाई 1929 से अनशन आरंभ कर दिया। जतींद्र भी इसमें सम्मिलित हुए। उनका कहना था कि एक बार अनशन आरंभ होने पर हम अपनी मांगों की पूर्ति के बिना उसे नहीं तोड़ेंगे। कुछ समय के बाद जेल अधिकारियों ने नाक में नली डालकर बलपूर्वक अनशन पर बैठे क्रांतिकारियों के पेट में दूध डालना शुरू कर दिया। जतींद्र को 21 दिन के पहले अपने अनशन का अनुभव था। उनके साथ यह युक्ति काम नहीं आई। नाक से डाली नली को सांस से खींचकर वे दांतों से दबा लेते थे। अंत में पागल खाने के एक डॉक्टर ने एक नाक की नली दांतों से दब जाने पर दूसरी नाक से नली डाल दी, जो जतींद्र के फेफड़ों में चली गई। उनकी घुटती सांस की परवाह किए बिना उस डॉक्टर ने एक सिर दूध उनके फेफड़ों में भर दिया। इससे उन्हें निमोनिया हो गया। कर्मचारियों ने उन्हें धोखे से बाहर ले जाना चाहा, लेकिन जतींद्र अपने साथियों से अलग होने के लिए तैयार नहीं हुए। निधन अनशन के 63वें दिन 13 सितंबर 1929 को जतींद्रनाथ दास का देहांत हो गया। जतींद्र के भाई किरण चंद्र दास ट्रेन से उनके शव को कोलकाता ले गए। सभी स्टेशनों पर लोगों ने इस शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। कोलकाता में शवदाह के समय लाखों की भीड़ एकत्र थी। उनकी इस शानदार अहिंसात्मक शहादत का उल्लेख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में किया है। तो यह थी जतींद्रनाथ दास की जीवन की कथा। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है तो लाइक करना मत भूलना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।